हम लोग देखेंगे आज बिहार की कुछ प्रमुख योजनाएं, ठीक है, और उससे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे पहला योजना जो लिया गया है वो है तुम्हारा गंगा जल उद्धव योजना। क्वेश्चन इसमें बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से होता हुआ जाएगा, मतलब कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को इससे लाभ मिलेगा। पहला क्वेश्चन तो ये है, इसमें डिस्ट्रिक्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरा इम्पोर्टेंट है कि इस योजना का उद्देश्य मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो ध्यान समझ लो, गंगा जल उद्धव योजना बिहार सरकार की एक योजना है जो राजगीर, एक्चुअल नॉर्मल समझो कॉन्सेप्ट ये है, पटना के मोकामा के पास से जो गंगा जी वहाँ पर हैं वहाँ से पाइपलाइन के द्वारा मोकामा से मतलब पटना से ये पाइपलाइन बढ़ेगा और जाएगा ये नालंदा के राजगीर होते हुए गया पहुँचेगा, ठीक है। तो नालंदा एक राज्य मेरा आ जाएगा, यहाँ डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, नालंदा आ जाएगा, नालंदा को ये टच करेगा। दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट होगा वो होगा गया को ये टच करेगा, गया में इसका लाभ दिया जाएगा। और तीसरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो है नवादा। तो तीन जिला इससे प्रभावित हमारे मतलब लाभान्वित होने वाले हैं। ये तीन जिला लाभान्वित होने वाले हैं। और कौन कौन सा जिला इसमें इन्वॉल्व है, तो एक जिला तुम्हारा और बढ़ जाएगा पटना, क्योंकि पटना के मोकामा से ही पाइपलाइन स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ से गंगा जल को पाइपलाइन के द्वारा लाकर गया में, राजगीर में, गया में और नवादा में स्टोर किया जाएगा ताकि लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सके, ठीक है। 6 अक्टूबर 2021 को इसकी समीक्षा वगैरह की गई थी और इसका काम स्टार्ट है और जल्द ही इसको पूरा किया जाएगा। तो मतलब इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछना होगा तो आपसे जिला पूछा जा सकता है, और दूसरा इसको करने से क्या लाभ है। दूसरा जो है वो है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और महिला उद्यमी योजना, इसका एक और पार्ट है जिसमें SC ST के लिए भी है, ठीक है। 18 जून 2021 को इसको शुरू किया गया है। उद्देश्य यानी इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देना कि आप रोजगार करें, बिजनेस करें, उसके लिए सरकार आपको इंसेंटिव दे रही है। कितना का इंसेंटिव देगी, तो 10 लाख रुपया का इंसेंटिव यहाँ पर दिया जाना है। 10 लाख का इंसेंटिव है जिसमें 5 लाख रुपया जो तो आपका रहेगा वो आपका अनुदान रहेगा, और बाकी जो 5 लाख रुपया है वो 5 लाख रुपया आपको लोन के रूप में दिया जा रहा है। ये आपको एज ए कर्ज दिया जा रहा है और इस कर्ज को आपको वापस भी करना पड़ेगा। तो वापस करने के लिए दिया गया है कि इसको आपको 7 साल 7 ईयर्स में आपको वापस करना है, और टोटल 84 इंस्टॉलमेंट होगा। 84 इंस्टॉलमेंट होगा जिसमें इम्पोर्टेंट क्या रहेगा कि युवा जो नॉर्मल युवा हैं उनको 1% के इंटरेस्ट रेट पर ये दिया जाएगा, और महिलाओं के लिए ये फ्री ऑफ इंटरेस्ट रहेंगे, इंटरेस्ट फ्री रहेंगे, इसमें इंटरेस्ट नहीं महिलाओं को लगेगा। वैसे ही अगर वो SC ST कैंडिडेट है तो उसको भी इंटरेस्ट फ्री लोन रहेगा वो, यानी कि केवल आपको वो 5 लाख ही वापस करना है। तो युवा उद्यमी योजना से फिर से रिपीट कर देते हैं, 18 जून 2021 को स्टार्ट किया गया। ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का, कि आपको बिजनेस करने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए सरकार आपको प्रोत्साहित कर रही है, जिसके तहत 10 लाख रुपया का आपको 10 लाख तक आपको यहाँ दिया जाना है, जिसमें 5 लाख आपको अनुदान रहेगा और 5 लाख रुपया ही आपको लोन के रूप में दिया जा रहा है, जिसको आपको चुकाना है। चुकाने के लिए आपको 7 साल का समय मिलेगा, 84 इंस्टॉलमेंट होगा। युवाओं के लिए ये 1% ब्याज पर होगा, महिलाओं के लिए और SC ST वाले लोगों के लिए ये इंटरेस्ट फ्री रहेगा। योजना के लिए एज ग्रुप जो है वो रहेगा 18 से 50 साल तक के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा स्कीम है वो है बाल हृदय योजना। ये याद रखिएगा, ये कहाँ से आ रहा है, ये आपका आ रहा है 7 निश्चय पार्ट 2 से। इसको आप जरूर दिमाग में बिठा रखिएगा। या 7 निश्चय जो पार्ट 2 लॉन्च हुआ था, इसके बारे में पहले भी बताया जा चुका है आपको। तो पार्ट 2 में एक निश्चय ये भी है कि सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य व्यवस्था सुविधा, इसी के तहत बाल हृदय योजना को आरंभ किया गया। कब आरंभ किया गया है, 1 अप्रैल 2021 को। उद्देश्य क्या है कि जो बच्चे हृदय में छेद लेकर पैदा होते हैं उनका फ्री ट्रीटमेंट कराया जाएगा। वो देश में कहीं भी जाके इलाज करा सकते हैं, वो ट्रीटमेंट 100% फ्री रहेगा। तो ये 7 निश्चय पार्ट 2 का एक पार्ट रहेगा।
नेक्स्ट है गरीब कल्याण रोजगार योजना। ये एक्चुअल में कोविड के टाइम में स्कीम लॉन्च किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, गरीब कल्याण अभियान, गरीब कल्याण योजना, उसी के अंदर बहुत सारे उसके पार्ट थे, तो उसमें एक पार्ट ये वाला है रोजगार अभियान, जिसको स्टार्ट किया गया है 20 जून 2021 को प्रधानमंत्री के द्वारा बिहार के खगड़िया गांव के तेलहार गांव में, ये लास्ट ईयर हुआ था। तो ये इसकी स्टार्टिंग हुई है बिहार से, सो ये बीपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। कौन सा गांव रहेगा? तेलहार गांव है, खगड़िया जिला में है। उद्देश्य क्या था इसमें कि जो जो कोविड टाइम में जो मजदूर लौट रहे थे, उन लौटने वाले मजदूरों को अपने गांव में काम देना, उनको रोजगार देना, ये उसका उद्देश्य था। तो वो लिखा भी गया था कोविड 19 के प्रकोप के मद्देनजर गाँव में लौटने वाले प्रवासी कामगारों के लिए रोजगार और जीविका आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना, जिसके तहत मनरेगा को एक्टिवेट किया गया था। और मनरेगा के तहत जो 100 दिन का काम दिया जाता था इसको बढ़ाया भी गया था, जिसको 120 दिन किया गया था। गरीब कल्याण रोजगार अभियान। फिर है घर तक फाइबर योजना 2020 में ये लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। तो प्रधानमंत्री के द्वारा इसको 21 सितंबर 2021 में बिहार में लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है कि घर गांव तक हम लोग फाइबर कनेक्टिविटी, फाइबर के थ्रू इंटरनेट की कनेक्टिविटी देंगे, इंटरनेट की कनेक्टिविटी दी जानी है गांव गांव तक, यही इसका उद्देश्य है। विभाग इसका कौन सा रहेगा? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री इसका काम करेगा। उसके बाद है बाल सहायता योजना। बाल सहायता योजना जो है शुभारंभ किया गया था इसका, जिसका स्टार्टिंग डेट है वो है 30 मई 2021। मुख्यमंत्री के द्वारा ये लाया गया था, इसका भी जो रीजन था वो था कोविड 19 के कारण वैसे बच्चे जिनके पेरेंट्स, माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, वैसे बच्चों को 18 साल तक सरकार 1500 रुपया प्रति माह पर मंथ वो पेमेंट करेगी, ताकि वो बच्चा का परवरिश हो सके। तो ये कोविड के कारण ही आया हुआ एक स्कीम था, जिसमें लिखा भी गया कि माता पिता की मृत्यु कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण हुई हो, उन्हें 18 वर्ष होने तक 1500 रुपया प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है, जिसके अभिभावक कोई गार्जियन भी नहीं हो, वैसे बच्चों को बालगृह में रखा जाएगा और अनाथ बच्चियों को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में नामांकन कराया जाएगा। तो ये था कि कोविड के कारण, पोस्ट कोविड जब परेशानी जो हो रही थी, जो डेथ वगैरह बहुत ज़्यादा हुआ था, उसके कारण अगर कोई ऐसा बच्चा होता है तो उसके लिए ये स्कीम लाई गई थी। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, ये 2019 की स्कीम है, 2019 की स्कीम है। पहले हुआ करता था ओल्ड एज पेंशन, जो हुआ करता था वो था इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन, ध्यान से समझना, ओल्ड एज पेंशन, ये था इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन, जिसमें एक कंडीशन लगा हुआ रहता था कि जो वृद्धजन है, जिनका उम्र 60 से ज़्यादा है, 60 प्लस है, और उनका नाम बीपीएल में है, मतलब गरीबी रेखा से वो नीचे हैं, तो वैसे व्यक्तियों को इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन दिया जाता था। इसको लेके माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा चेंज किया गया कि ये वाला टर्म यहाँ से हटा दिया गया, कि नहीं, बीपीएल की आवश्यकता नहीं है, केवल आपका उम्र 60 प्लस होना चाहिए और आपको पूर्व से, मतलब आप 60 साल पूरा होने से पहले कोई सरकारी नौकरी में ना हो, तक जो ये सरकारी नौकरी वालों को रिटायरमेंट के बाद ऐसे ही पेंशन दिया जाता है, तो उसको इस योजना के लिए अयोग्य माना गया। और 60 साल से ऊपर सभी व्यक्ति, कोई कंडीशन नहीं था उसमें एपीएल बीपीएल का, उनको मिलेगा वृद्धजन पेंशन, जिसका नाम रख दिया गया मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। ये स्टेट फाइनेंस्ड है, मैंने इसको स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंस कर रही है। और इसमें कितना मिलता है? तो 400 रुपया मिलता है, 80 वर्ष से अधिक हो जाएगा तब उसको मिलेगा 500 रुपया, ये पेंशन प्रतिमाह उसे दी जाती है। संपत्ति स्वामित्व योजना, ये योजना प्रधानमंत्री के द्वारा 2020 में स्टार्ट किया गया था बिहार में। इसका उद्देश्य क्या था कि जो जमीन है ग्रामीण क्षेत्रों के, उसका सर्वे किया जाए और मैपिंग की जाए उसकी, ताकि पता चले कि जमीन का मालिक जो भी है, वो सर्वे करके उसके जमीन का मालिकाना हक उसका लिखा जा सके, दस्तावेज बनाया जा सके। तो ये एक्चुअल में भूमि सर्वेक्षण से रिलेटेड, ये सर्वे से रिलेटेड है, जमीन के सर्वे से। फिर है बिहार पत्रकार सम्मान योजना, 2019 में मुख्यमंत्री के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया। इसमें सिंपल सा दो कंडीशन डाला गया कि वैसे पत्रकार जो मिनिमम 20 साल का जिनके पास एक्सपीरियंस हो, जिनके पास 20 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस हो,
और 60 प्लस के एज होने के बाद उन्हें 6,000 रुपया पेंशन दी जाएगी। तो दो कंडीशन रहेगा यहाँ पर, आपके पास मिनिमम 20 इयर्स का एक्सपीरियंस हो पत्रकारिता का और दूसरा आपकी उम्र 60 ईयर से अधिक हो। वैसे पत्रकारों को 6,000 रुपया प्रति माह आपको पेंशन दिया जाना है। यही था बिहार पत्रकार सम्मान योजना, प्यार का पौधा अभियान। इसको वन विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया था 14 फरवरी को, वैलेंटाइन डे के दिन 2020 में, जिसका उद्देश्य था कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो हम लोग आपस में जब मिलते हैं तो जो गुलदस्ता और फूल वगैरह दिया जाता है उसकी जगह पर पौधा दिया जाए, उसकी जगह पर कोई पौधा दिया जाए। जल जीवन हरियाली मिशन, ये लास्ट ईयर 2019 का ये बहुत बड़ा योजना है बिहार सरकार का, जो सेंट्रल में जल शक्ति अभियान के नाम से चल रहा है। ठीक है, जल शक्ति अभियान के नाम से चल रहा है, जो बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन के नाम से चल रहा है। 26 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर ही इसको लॉन्च किया गया था। और इसके अंतर्गत ध्यान से समझना, इसमें जो पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, उसमें क्या क्या किया जाना है, जैसे कि छोटे तालाब, एक नंबर कुआं बनाना, या कहो कि जल के जो स्रोत हैं पुराने स्रोत, इनको बचाने का लक्ष्य रखा गया। एक तो काम ये रहा, दूसरा काम रहा कि इसके अधीन आपको पेड़ पौधे लगाने हैं। तो पेड़ पौधे लगाने के लिए जैसे लगाया भी गया कि 24,524 करोड़ रुपया यहाँ पर खर्च किया गया। पेड़ लगाने के कॉन्सेप्ट में दिया क्या गया, जैसे रोड है तो रोड के साइड में आपको पेड़ लगाने, इस प्रकार का जगह खोजा गया कि कहाँ कहाँ पेड़ लगाया जा सकता है, और वहाँ पर पेड़ लगाया गया। उसके साथ साथ किसानों को भी सब्सिडी दी गई, किसानों को 75,500 की सब्सिडी दी गई, जिससे आप तालाब, कुआं, खेतों की सिंचाई कार्य जो करते हैं वो आप कर सकते हैं। अगर आपको अपने निजी जमीन पर तालाब खुदवाना हो, कुआं खुदवाना हो, या आपको पेड़ लगाना हो, बगीचा बनाना हो, तो वैसे जगहों पर आपको सरकार के द्वारा अनुदान भी दिया जाता है। तो इसमें मेनली ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा कार्य जल जीवन मिशन के द्वारा किया जा रहा है। फिर आते हैं बिहार स्वयं सहायता भत्ता योजना, ये जो था 2020 में इसको स्टार्ट किया गया था। ये 7 निश्चय पार्ट वन से रिलेटेड है, जिसका उद्देश्य था कि बेरोजगार जो छात्र हैं उनको आर्थिक सहायता दी जाए, और इनमें आर्थिक सहायता के रूप में 1,000 रुपया प्रतिमाह देने का प्रावधान है, जो बच्चे का उम्र 21 से 35 साल तक का होना चाहिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था। तीसरा कंडीशन लगाया गया, उसका पारिवारिक आय जो है वो 3 लाख से कम होना चाहिए। तो कंडीशन क्या क्या दिया गया कि आप जो छात्र हों, पहले तो आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हों, या पढ़ाई आपकी जस्ट पूरी हुई हो, तो एक कंडीशन हो गया कि आप स्टूडेंट होने चाहिए। दूसरा जो कंडीशन हो गया वो हो गया कि आपका एज ग्रुप जो है वो 21 से लेके 35 वर्ष की होनी चाहिए। और तीसरा जो कंडीशन हो गया वो हो गया कि आपका पारिवारिक लाभ, पारिवारिक आय जो है वो 3 लाख से कम होनी चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स को 1,000 रुपया भत्ता के रूप में, बेरोजगारी भत्ता के रूप में सरकार के द्वारा दिया जाएगा। बिहार SC ST उद्यमी योजना, इसको हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, अभी जो देखे थे युवा और महिला, उसी में SC और ST है। तो सेम चीज़ है इसमें कि 10 लाख आपको कोई भी उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपए तक की राशि प्रदान की जाएगी, जिसमें 5 लाख रुपया आपको अनुदान के रूप में मिलेगा, और शेष 5 लाख जो होगा वो ब्याज मुक्त ऋण होगा। ध्यान दे, यहाँ बताए भी थे अभी थोड़ी देर पहले कि केवल युवाओं के लिए, जनरल मतलब SC ST को छोड़कर बाकी जो युवा हैं उनके लिए 1% इंटरेस्ट रेट पे था, और बाकी महिलाओं के लिए और SC ST के लिए ये इंटरेस्ट फ्री रहेगा लोन, जिसको 84 किस्तों में आपको 7 साल तक, 7 साल के अंदर चुकाना है, 7 ईयर्स में। इसके लिए कम से कम इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। उद्देश्य वही है कि आपको उद्योग लगाने के प्रति जागरूक करना, या आपको उत्साहित रुचि पैदा करना सरकार का उद्देश्य, क्या अपना रोजगार लगाएं। फिर आते हैं महिला कन्या उत्थान योजना, ये ICDS समाज कल्याण से रिलेटेड एक स्कीम है, समाज कल्याण का एक स्कीम है ये, जिसमें मेनली क्या किया गया, 2018 में इसको स्टार्ट किया गया था, जिसका उद्देश्य था महिलाओं को सुरक्षित करो, मतलब उद्देश्य था कन्या भ्रूण हत्या जो होती है, या लिंग अनुपात में वृद्धि लाना, या शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, लड़कियों की पढ़ाई लिखाई को बढ़ावा देना, बाल विवाह पर अंकुश लगाना, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना, मतलब ये मेनली लड़कियों से रिलेटेड एक स्कीम था, जिसके तहत दिया क्या जाता है कि लड़की की अगर इंटर पास करती है तो उसे 10,000 रुपया, और स्नातक पास करती है तो उसे 25,000 रुपया दी जाएगी। और अगर स्नातक, इसमें एक कंडीशन लगा दिया गया है कि आपको इसके लिए अविवाहित होना चाहिए। तो ये लड़कियों को उत्साहित, मतलब प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के द्वारा चलाया गया एक स्कीम है। उसके बाद आते हैं ग्राम उजाला योजना, ध्यान देना, उज्ज्वला और उजाला दो अलग अलग चीज़ है।
ग्राम उजाला योजना जो है इसमें एलईडी बल्ब मात्र 10 रुपये में डिस्ट्रीब्यूट करने का एक सिस्टम लगाया गया कि आपको मात्र 10 रुपये में ग्रामीण क्षेत्रों में एलईडी बल्ब 7 वाट का या 12 वाट का 3 साल की गारंटी के साथ वितरण किया जाएगा। प्रथम चरण में बिहार के 5 जिले आरा, बिहार के आरा से शुरू हुआ था, ये स्टार्टिंग पॉइंट हमारा आरा है, फिर वाराणसी, विजयवाड़ा, नागपुर और पश्चिमी गुजरात के गाँवों में 15 मिलियन एलईडी बल्ब का वितरण किया जाएगा, ऐसा ये प्रस्ताव था। ठीक है, चलो, स्वयं निश्चय मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, ये आपका 7 निश्चय पार्ट 1 से रिलेटेड है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था वही जो आपको बताया था अभी, 1000 रुपया तक आपको प्रतिमाह भत्ता मिलेगा। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ये भी आपका 7 निश्चय पार्ट 1 से रिलेटेड है, जिसमें था कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए 12वीं पास करने के बाद जो आप पढ़ाई करते हो टेक्निकल का, चाहे आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करो चाहे आप मेडिकल की पढ़ाई करो, अगर आप कोई मेडिकल इंजीनियरिंग टाइप के कोई भी टेक्निकल पढ़ाई अगर करते हो ग्रेजुएशन लेवल का, तो उस कंडीशन में आपको लोन दिया जाता है, क्रेडिट कार्ड प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें 4 लाख तक का लोन आपको मिलता है। इसके तहत जो लोन मिलेगा, इस कर्ज की गारंटर जो होगी वो सरकार स्वयं होगी, यानी बिहार सरकार इसकी, जो आप लोन लेने जाओगे तो बैंक वाले आपसे पूछेंगे गारंटर कौन है, तो उसमें बिहार सरकार उसकी गारंटर बनती है। और आपको पढ़ने के लिए 36 प्रकार के पाठ्यक्रम दिए गए हैं, जिसमें आपको प्रवेश लेने के लिए 4 लाख तक का एडुकेशन लोन बिहार सरकार द्वारा अपने गारंटी पर दिया जाता है। कुशल युवा कार्यक्रम 7 निश्चय से ही रिलेटेड ये भी था, जिसमें था कि युवाओं को 10वीं या 12वीं पास बेरोजगार युवाओं को लैंग्वेज, भाषा, संवाद मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन स्किल पर या कंप्यूटर ज्ञान देने के लिए एक कौशल विकास केंद्र का स्थापना किया गया था हर एक ब्लॉक लेवल पर, और आपको उसमें एडमिशन लेना है जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, और आपको वहाँ पर इन 3-4 विषयों पर पढ़ाई की जाएगी। फिर है कन्या सुरक्षा, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, ये 2008 से स्टार्ट की गई है स्कीम, जिसका उद्देश्य पुनः फिर से वही है, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, जन्म निबंधन, जो जन्म और डेट और बर्थ और डेथ होता है, जो सर्टिफिकेट बनता है, तो उसके लिए लोगों को उस रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए प्रोत्साहित करना, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि बर्थ या डेथ रजिस्ट्रेशन लोग नहीं करवाते हैं, तो उसके लिए प्रोत्साहित करना। आपका सेक्स रेशियो को ठीक करना, सेक्स को लेके आपका जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको दूर करना, इस प्रकार की चीज़ों को ठीक करने के लिए यह स्कीम लाई गई थी, जिसके लिए कंडीशन जो दिया गया था वो दिया था कि गरीबी रेखा से नीचे, यानी फिर से बीपीएल कंडीशन आ गया था कि बीपीएल में रहने वाले परिवारों में जन्म लेने वाली कन्याओं को जन्म के समय 2000 रुपये की राशि का FD कराकर, ध्यान से समझना, 2000 रुपया उसको देना नहीं है, 2000 रुपये की राशि का FD कराकर छोड़ दिया जाता है। और जब उस बच्ची का उम्र 18 साल हो जाता है, 18 प्लस की जब वो हो जाती है, तो वो FD को तोड़कर जो रकम उसका होगा वो उसको उस बच्चे के नाम पर आ जाता है। तो इसको ये राशि जो फिक्स हो रही है वो कहाँ FD बनेगा, तो वो बनता है IDBI बैंक और यूको बैंक में जमा की जा रही है, और ये 2 जीवित कन्याओं के लिए ही, मतलब मैक्सिमम है 2 बच्चों 2 लड़की के जन्म के लिए ही दी जाएगी। क्या करना है इसमें, 2000 रुपया का FD करा दिया जाता है, और FD कराने के बाद उसको दे दिया जाता है कि आपका जब 18 साल हो जाएगा तो आपका हम वो FD तोड़ के जो पैसा होगा वो आपका हो जाएगा। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत ये दिया गया था EBC और SC ST कैंडिडेट के लिए, ध्यान समझना, ये सभी के लिए नहीं है, EBC अत्यंत पिछड़ा, SC और ST इस 3 प्रकार के वर्गों के लिए इस स्कीम को लाया गया था, जिसमें कहा गया था कि अगर आप 2-3 पहिया या 4 पहिया 3 टेम्पो या 4 चक्का वाला कोई गाड़ी खरीदते हो, जिसका मुख्य उद्देश्य ये होगा कि वो परिवहन के लिए यूज होगा, मतलब वो भाड़े वाली गाड़ी की तरह यूज आप करेंगे, तो आपको सरकार 50% तक की सब्सिडी, जो मैक्सिमम 1 लाख रुपये तक हो सकती है, वो आपको दी जाएगी। ठीक है, या तो 50% सब्सिडी या मैक्सिमम 1 लाख रुपये तक का सब्सिडी आपको सरकार देगी, जिसका उद्देश्य था एक तो परिवहन व्यवस्था हमारी अच्छी हो, दूसरा आपको रोजगार मिले, तो इसका उद्देश्य था बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, और दूसरा जो उद्देश्य रहेगा वो रहेगा इसमें कि ट्रांसपोर्टेशन की जो व्यवस्था है उसे थोड़ा सुदृढ़ करना। ठीक है,
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। ये कन्या विवाह योजना जो है वो फिर से बीपीएल परिवारों को दी जाती है कि अगर कोई बीपीएल फैमिली में लड़का लड़की की शादी होती है तो उसे 5,000 रुपये का आर्थिक मदद सरकार के द्वारा दिया जाता है। कंडीशन क्या होना चाहिए, लड़की की उम्र मिनिमम 18 साल, लड़के का उम्र मिनिमम 21 साल होना अनिवार्य है। कहाँ से ये स्कीम चल रहा है, स्कीम चल रहा है समाज कल्याण विभाग से। समाज कल्याण विभाग से बहुत सारी स्कीमें हैं, उसमें एक स्कीम ये भी है। फिर आता है मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना। इसमें सिंपल सा दिया गया है कि 10वां जो बच्चा फर्स्ट डिवीजन से पास करेगा, जो फर्स्ट डिवीजन से बच्चे पास करेंगे खास करके बालिका, उनके लिए यह स्कीम है कि आप फर्स्ट डिवीजन से अगर कोई लड़की पास करती है तो उसे 10,000 रुपया का प्रोत्साहन राशि सरकार के द्वारा दिया जाता है। कंडीशन क्या रहेगा इसमें, छात्रा का अविवाहित होना अनिवार्य है। 10वां जैसे नॉर्मली कहा जाता है कि 16 साल तक के उम्र में आप 10th बोर्ड देते हो, तो एज का मिनिमम जो शादी का मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स है, तो सो आपको यहाँ पर अविवाहित होना अनिवार्य है। 10,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि इसमें दिया जाता है। उसके बाद है मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। इसका उद्देश्य क्या था, आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण महिलाओं का करना, घरेलू हिंसा वगैरह जो भी चीज़ें होती है उसको लेके उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक चलाया गया, जिसमें प्रखंड स्तरीय पर बहुत सारी कमेटी का गठन किया गया। अगर आपको इस प्रकार की कोई शिकायत है तो आप उस कमेटी में जाके आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट स्कीम है सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना में क्या दिया गया कि वैसे छात्र जो स्टेट PCS पास करते हैं, जो स्टेट जैसे BPSC पास करते हैं, तो BPSC के PT को पास करने पर आपको 50,000 का वित्तीय सहायता, मतलब इतना राशि आपको दी जाएगी ताकि आप मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कर सकें, ये दिया गया। और अगर UPSC का PT पास करते हैं तो आपको 1,00,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि वहां पर दिया जाएगा ताकि आप आगे की पढ़ाई करने में आपको कोई कठिनाई ना हो। ठीक है, इसका उद्देश्य वही है, पिछड़े वर्ग से संबंध रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए सिंपल सा था, ये EBC और SC ST कैंडिडेट के लिए ये योजना लागू की गई है। फिर है मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना। इस योजना के तहत मतलब अगर आपका उपज में 20% से ज़्यादा कमी आ गई हो, या आपकी खेती जो आपने किया वो अगर नष्ट हो गया किसी प्राकृतिक, जैसे मान लो बाढ़ आ गया, मान लो ओला पड़ गया, अगर आपका फसल क्षति होता है, इन दैट केस आपको 10,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की राशि दी जाएगी, और ये मैक्सिमम 2 हेक्टेयर तक ही दी जाएगी। मैंने एक कोई किसान अगर अप्लाई करता है उसके पास 5 हेक्टेयर जमीन हो उसे कोई मतलब नहीं है, उसे 2 हेक्टेयर तक का ही राशि 10,000 रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दी जाएगी। नष्ट होने या आपका एक तरीके का इंश्योरेंस है कि अगर आपका फसल बर्बाद होता है तो हम आपको यहाँ से सपोर्ट करेंगे ताकि आपका कृषि आधारित जो हमारा है वो ठीक ठाक रहे। ई समर्थ योजना। ई समर्थ योजना जो है वो क्या किया गया, ई समर्थ में कि विद्यालयों को कंप्यूटर से जोड़ के, मतलब विद्यालय को जोड़ दिया गया इंटरनेट के द्वारा कंप्यूटर से, और कंप्यूटर के द्वारा और प्रोजेक्टर की सहायता से बच्चों को पढ़ाने का प्रावधान किया गया, दैट इज कॉल्ड ई समर्थ योजना। उसके बाद है कृषि वानिकी योजना। कृषि वानिकी योजना में बहुत सिंपल सा नियम ये था, पुराना ये स्कीम है कि किसानों को पौधा लगाने के लिए प्रथम वर्ष में 15 रुपया प्रति पौधा और द्वितीय और तृतीय वर्ष में 10 रुपया प्रति पौधा दिया जाएगा। मतलब आप 15 रुपया में पौधा खरीद सकते हैं और द्वितीय और तृतीय वर्ष में आप 10 रुपये प्रति पौधा खरीद सकते हैं। उद्देश्य क्या है कि किसानों को फॉरेस्ट्री करवा कर, मतलब पेड़ पौधा लगवा कर भी उनका आय बढ़ाने का स्रोत बनाया जा सके। दिव्यांग पेंशन योजना। इसके तहत क्या नियम है कि अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और आपका जो हैंडीकैप्ड का परसेंटेज है वो 40% से ज़्यादा है या 40% या उससे ज़्यादा है, देन आपको पेंशन दी जाएगी। यहाँ पे 300 रुपया जो पेंशन लिखा गया है ये गलत है, 400 रुपया प्रति माह उसे पेंशन दी जाती है। मध्यान्ह भोजन योजना, आप लोग जान रहे हैं MDM क्लास वर्ग से 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को मध्यान्ह भोजन कराया जाता है, जो सरकारी विद्यालय में कराने का प्रावधान है। इसी को लेकर करेंट जो न्यूज था मेरा वो यही था कि मध्यान्ह भोजन में अब चावल को बदल दिया गया है और फोर्टिफाइड चावल वहाँ पर यूज किया जा रहा है। ये सब पुराना स्कीम है। फिर है मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना। 18 से 45 वर्ष के अल्पसंख्यक बेरोजगार छात्रों को अपना कार्य करने के लिए प्रशिक्षण देने का ये प्रावधान इसमें किया गया कि अगर आप चाहते हैं कि आप कोई टेक्निकल वर्क सीखें तो आपको वहाँ पर फ्री में ट्रेनिंग दिया जाएगा।
ठीक है। उसके बाद नया स्कीम में सरकार का और इधर कोई नहीं है, सब पुराना स्कीम है। अच्छा, शराबबंदी को हम लोग समझ लेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा शराबबंदी को समझना जरूरी है क्योंकि बिहार में शराबबंदी लागू है, जो लागू किया गया था 2 अक्टूबर 2016 को। ध्यान से देखना, इस डेट को आपको याद रखना है क्योंकि शराबबंदी जो है वो स्टार्ट हुआ था स्टार्टिंग में ही, अप्रैल में ही। 1 अप्रैल 2016 को आंशिक शराबबंदी लागू की गई थी और 5 अप्रैल 2016 को पूर्ण शराबबंदी लागू की गई। आंशिक में क्या कहा गया था कि जो देसी दारू होता है केवल हम उसको बंद करेंगे, और जब पूर्ण हुआ तो देसी और विदेशी दोनों दारू को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। लेकिन इसके बाद हाईकोर्ट में एक केस हो जाता है, 30 सितंबर 2016 को पटना हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया कि आपका शराबबंदी करने का जो कानून है वो अवैध है, वो गलत है। इसके बाद गांधी जयंती के अवसर पर बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम लाया गया, मतलब संविधान में ही संशोधन किया गया, और संशोधन करके शराबबंदी को पुनः लागू किया गया 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर। तो गांधी जयंती के अवसर पर, यानी 2 अक्टूबर का जो डेट है, अगर हम कहेंगे कि शराबबंदी हमारा लागू कब से हुआ तो हमारा एक डेट ये भी रहेगा 2 अक्टूबर 2016। 5 अप्रैल 2016 को जो लागू हुआ था उसको हाईकोर्ट ने निरस्त घोषित कर दिया था, ठीक है। अब इसके बाद जो इसमें कंडीशन लगाया गया है कि शराब किसी प्रकार से शराब का सेवन, बेचना, रखना, सभी प्रकार के चीज़ें जो है वो गंभीर अपराध हैं, जिसमें 10 साल की सजा, 10 लाख रुपया जुर्माना तक रखने का प्रावधान किया गया है। इसको लेके स्पेशल सेशन कोर्ट बनाया गया है, और दोबारा अगर एक बार आप शराब पीते हुए पकड़े गए या शराब के साथ आप पकड़े, मतलब किसी प्रकार से केस होता है, आपको सजा होती है, और उस सजा काटने के बाद आप छूटते हैं और दोबारा आप आते हैं फिर पकड़ा जाते हैं तो आपकी सजा दुगनी हो जाएगी।